हाय गाइज, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपना चैनल टेक्निकल कैसे में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूट्यूब का नया अपडेट जो आया है, जिसमें तीन इम्पोर्टेंट हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गाइज, अगर आप एक क्रिएटर हैं तो ये तीन अपडेट आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। क्योंकि गाइज, अगर आप वीडियो बनाते हैं तो बहुत सारे टर्म कंडीशन होते हैं यूट्यूब को, जो कि अगर नहीं पता है तो आपके चैनल पर प्रॉब्लम आ सकता है। और YouTube जो है सो दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ अपडेट लाते रहता है, कुछ जोड़ते रहता है, कुछ हटाते रहता है। तो ये YouTube का एक पॉलिसी जो है सो फिर से एक अपडेट हुआ है। ये तीनों अपडेट जो है सो पुराना है, YouTube के चैनल अप्लाई हो गया है, तो इसलिए आपको ये तीनों बात का जरूरी से ध्यान रखना होगा। गाइज, पहला ये था अपडेट कि आपको मेल आया होगा, सभी को मेल आ रहा है, YouTube वाले को भी और नॉन YouTube वाले को भी, सभी प्रकार के ईमेल जो होता है सब पे ये अपडेट और मेल किया जा रहा है। पहला मेल में ये बताया गया है कि अगर आप किसी का फेस को अपने चैनल पे यूज करते हैं, किसी का फ़ोटो के यूज करते हैं, किसी के बारे में बता रहे हैं, तो ये इलीगल होगा। आप ऐसा बात नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं तब कर सकते हैं जब आप जिसका भी फेस का यूज कर रहे हैं, जिसके बारे में बता रहे हैं, उसका परमिशन आपके पास होना ज़रूरी होगा। अगर आपके पास परमिशन नहीं है तो आप यूज नहीं कर पाएंगे। अगर आप फिर भी आप यूज कर लेते हैं तो हो सकता है वो आपको स्ट्राइक दे सकता है, कॉपीराइट क्लेम भी कर सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको परमिशन का ज़रूरी पड़ेगा। उसके बाद दूसरा अपडेट ये है YouTube की तरफ से उस मेल में कि अगर आपका चैनल मोनिटाइज है तो उस पर ऐड आता है, ये आपको पता ही होगा। जैसे कि ये चैनल जिस पर आप अभी वीडियो देख रहे हैं, टेक्निकल कैसे चैनल मोनिटाइज है, तो इस पर ऐड आ रहा होगा, बहुत तरह तरह का ऐड आता है। लेकिन अब जो चैनल मोनिटाइज नहीं हुआ है, मोनिटाइज का कैटेगरिया क्या है वो आपको हम बता देते हैं। 4000 वॉच टाइम का कंप्लीट होना ज़रूरी होता है और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होना ज़रूरी होता है 365 दिन के अंदर। अगर ये आप कैटेगरी पूरी कर लेते हैं तो आपका चैनल मोनिटाइज हो जाता है, रिव्यू में जाने के बाद फिर आपके चैनल पे भी ऐड आना शुरू हो जाता है। लेकिन जिसके चैनल पे ये कैटेगरी पूरा नहीं हुआ है उसके चैनल पे भी, यानी कि नॉन मोनिटाइजेशन चैनल पे भी अब ऐड दिखेगा। तो इस जो चैनल मोनिटाइज नहीं है उस पर जो ऐड आएगा, उसका जो रेवेन्यू बनेगा वो सीधा सीधा यूट्यूब अपने पास रखेगा। उसमें से किसी भी यूट्यूबर को या फिर जिसका भी चैनल है जिसका मोनिटाइज नहीं है उसको नहीं मिलने वाला है, ये सीधा यूट्यूब अपने पास रखेगा। तो ये जो है एक अपडेट था दूसरा। उसके बाद तीसरा अपडेट ये है जो कि हम इस पर वीडियो बहुत पहले ही बना दिए हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। और ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तीसरा अपडेट ये है उस मेल के द्वारा कि अगर आप जो है सो इनकम टैक्स का फॉर्म नहीं भरे हैं तो उसको आप भर दीजिए दोस्तों। वो फॉर्म जो है सो USA से रेवेन्यू जितना भी आप कमाते हैं उसका टैक्स पे करना होगा, और ये YouTube का अधिकार है। क्योंकि USA से जो भी ट्रैफिक आपको आता है उसमें आपको टैक्स पे करना होगा। तो उसी से रिलेटेड ये फॉर्म आया था जिसको आपको भरना था, उसका लास्ट डेट जो है सो 31 मई है 2021। अगर आप अभी तक नहीं भरे हैं तो उस वीडियो को देखिए और वहाँ से देखने के बाद सीख लीजिए किस तरह से भरा जाता है और क्या क्या प्रोसेस है भरने का, क्या स्टेप है। उसको सीखने के बाद आप अपने चैनल पे फॉर्म को भर लीजिए एडसेंस में जाने के बाद, और आपका भी टैक्स कटना बंद हो जाएगा, बहुत कम कटेगा उसको फॉर्म भरने के बाद। इसलिए ये अपडेट आपको जानकारी बहुत ही ज़रूरी था दोस्तों। ये तीन अपडेट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।